नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएसआर टाइम्स और मैं हूं आपके साथ जया हनुतिया। आइए नजर डालते हैं सुपर सेवन खबरों पर। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सियासी बवाल हुआ शुरू। आधी रात को कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पर 8 विधायकों को गुरुग्राम के एक लग्जरी होटल में बंधक बनाने का आरोप लगाया। मंत्री जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह पहुंचे विधायकों से मिलने। भारत में कोरोना वायरस के 6 मामलों की हुई पुष्टि। ईरान, इटली, दक्षिण कोरिया और जापान का वीजा भी किया रद्द। वायरस फैलने की आशंका को देखते हुए नोएडा में 2 स्कूल किए एहतियातन बंद। पुलवामा हमले के मामले में एनआईए ने मंगलवार को बाप बेटी को किया गिरफ्तार। एनआईए ने पिता पुत्री को किया जम्मू के एनआईए कोर्ट में पेश। यहां से उन्हें 10 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। तीसरी बार टली निर्भया के दोषियों की फांसी। कोर्ट ने कहा, कोई दोषी जब अपने भगवान से मिले तो उसके पास यह शिकायत ना हो कि उसे भी सभी कानून विकल्प आजमाने की इजाजत नहीं मिली। होली के पहले भारतीय रेलवे ने यात्रियों को दिया बड़ा झटका। बुधवार को जारी की रद्द रहने वाली ट्रेनों की लिस्ट। लिस्ट में 650 से ज्यादा ट्रेनें शामिल हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कोरोना वायरस को लेकर किसी भी खतरे से किया इनकार। आईपीएल 29 मार्च को वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबले के साथ शुरू होगा। शेयर मार्केट आज बढ़त के साथ खुला। सेंसेक्स आज 92.57 अंक की बढ़त के साथ 38,715.72 पर खुला है। वहीं निफ्टी 48.05 अंक की बढ़त के साथ 11,351.35 पर खुला है। सुपर सेवन खबरों में फिलहाल इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए जेएसआर टाइम्स।